करनाल के उपमंडल घरौंडा के कैमला गांव में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन की हर तरफ निंदा हो रही है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने भी करनाल के कैमला गांव में हुई घटना की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर असामाजिक तत्व भ्रम फैला रहे हैं। इस देश में जब भी विपक्षी दलों की जमीन खिसकी, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश हुई। वो लोकतंत्र में निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी निर्णायक नहीं है, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, निर्णायक तो इस देश की जनता है। ये देश की जनता सर्वोपरि है, वो किसी भी व्यक्ति को गद्दी के ऊपर बैठा दे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर मैंने कहा है कि गुरनाम सिंह चुडुन्नी कांग्रेस के पेरोल के ऊपर काम कर रहा है, कांग्रेस के कहने से वो सारा का सारा षड्यंत्र रच रहा है, कांग्रेस का इसके अंदर हाथ है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मैं तो जहाँ पर भी देखता हूँ हम सबको जानते हैं, ऐसा नहीं है कांग्रेस के लीडर कौन है, उनके कार्यकर्ता कौन है, वो सारे के सारे इस लोकतंत्र के अंदर। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपनी बात को कहें, जनता के बीच में जाकर के कहें। इसके अलावा नायब सैनी ने एक बार फिर से कृषि कानूनों के फायदे बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 3 कृषि कानून बनाए हैं। ये कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसको मजबूत करने का काम किया है। 80% की सब्सिडी किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को नीम कोटेड यूरिया बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किसान को किया है, ताकि नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि किसान का खर्चा कम हो और उसकी आय बढ़े, ताकि किसान मजबूती की तरफ जाए, उसकी इनकम बढ़े। ये नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार किसान के हित में काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस ने 55 वर्षों में जो कांग्रेस के लोग आज विरोध कर रहे हैं, आज जो किसान के नाम के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज जो किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके घड़ियालू आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार इतने समय तक रही, किसान को क्यों मजबूत नहीं किया, क्या कारण थे? आपको बता दें, करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। यहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल किसानों से बातचीत करने वाले थे और उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे, लेकिन किसान नहीं माने। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे गए थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।